तो व्हाट्स अप माय ड्यूटी फैमिली, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस, 3 से 4 दिन पहले हम लोगों ने अपनी जो प्रोजेक्ट सिविक यानी ब्रेंटाउन का रिवील किया था और आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ वीडियो स्टार्टिंग होने से पहले, बम्पर के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनोइंग लग रहा है वीडियो में, मेरे को ही मालूम है। बॉडी और बम्पर का कलर जो है मैच नहीं हुआ है, क्योंकि बारिश के सीज़न में इसका कलर हुआ था और ये एक दिन बाद कलर हुआ था, उसके अंदर से दोनों मैच नहीं हुआ। बट हम लोगों ने पेंटर से बात कर ली है, वो हम लोगों को फिर से जो है पूरा चीज़ रिपेंट करके देने वाले, और जहाँ जहाँ पे जो है माइनर पानी के वजह से जो है पेंट में बोल सकते हो ख़राब हुआ था, वो पेंटर जो है अपने को ठीक करके दे देंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है बारिश का मौसम जैसे ख़त्म हो जाएगा उसके बाद करेंगे, जब सनी वेदर होगा, क्योंकि अभी पेंट कराएगा कोई मतलब नहीं है। कलर का जो आउटकम होना चाहिए वो आ नहीं रहा है और शाइन भी आप देख सकते हो इतनी अच्छी नहीं है। बट शाइन तो हम लोग सिरामिक कोटिंग से ला सकते हैं, बट जो मेन चीज़ है वो बम्पर। तो ये चीज़ मैंने को आप लोग को बताना था। तो वीडियो को स्टार्ट करते, और सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस कार में हम लोग ने कितना खर्चा किया, कितना एक्सपेंस गया मेरा पूरा कार को बिल्ड करने में। मैं अभी भी बता देता हूँ, दिस इज़ नॉट द सिविक विच आई वॉन्ट टू बी लुक लाइक। इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन अभी करनी है, बहुत सारी बॉडी किट्स भी अभी ऑर्डर करनी है, बहुत कुछ इसमें कराना है, पर वो धीरे धीरे करके हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आपको बताते हैं इसमें मैंने कौन सी चीज़ इंस्टॉल की है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इसमें जो है बम्पर इंस्टॉल है फ्रंट का, और ये CRZ किट करके बोलते हैं, CRZ किट, वो वाली किट है ये। और पूरा बम्पर आप देख सकते हो किस तरीके से दिख रहा है ये। इसमें यहाँ पर हम लोग ने हनीकॉम मैश ग्रिल लगाई है, तो ये पूरा बम्पर हम लोग ने बिठाया है। और बम्पर को बिठाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आपको, जो आपका यहाँ पे एक बोल सकते हो मेन फ्रेम आता है वो यहाँ पे टच होता है, बट थोड़ा सा एडजस्ट करोगे तो ये बम्पर बैठ जाता है। और ये सारी चीज़ों का वीडियो मैंने बनाया, पेंट का वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मैंने आप लोग को बताया बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी इधर जब ये पेंट हो रहा था, और उसके वजह से जो है ना वीडियो की क्वालिटी अच्छे से नहीं आ रही थी, और जो पेंट भी ना एकदम टुकड़े टुकड़े में, कभी ये पैनल हुआ है, कभी वो पैनल हुआ है, पूरी बॉडी एक साथ नहीं हुई है, तो वो एक रीज़न था। और उसके बाद जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया वो है ये बोनेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये बोनेट, ये भी फाइबर का ही बोनेट है, ये देख सकते हो आप, तो ये फाइबर का बोनेट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन दिया गया है। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जब भी बारिश होती है सारा का सारा पानी जो है यहाँ पर जमा हो जाता है, और उसके वजह से जो है ना पेंट ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। वो तो अच्छी बात है, मैं शेल्टर में रखता हूँ कार को तो इतना कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद फ्रंट में एक और चीज़ हम लोग ने चेंज की थी, वो थी ये DRLs। तो हम लोग ने DRLs लगाई है इसमें, तो ये हेडलाइट पूरा खोल के अपना जो नॉर्मल तरीके से नहीं खुलता हेडलाइट, इसको हॉट करके गर्म करके इसको खोला जाता है। और उसके बाद देख सकते हो इस तरीके से हम लोग ने इसमें लाइट लगा और सिलिकॉन से जो इसका पेस्टिंग कर दिया है, तो इस तरीके से लाइट लग गई है। और दूसरी चीज़ हम लोग ने इंस्टॉल की है वो है जो किट की बात अभी फ़िलहाल कर रहे, तो ये तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपना साइड स्कर्ट्स, ये इंस्टॉल करने से कार का जो ओवरऑल रोड पे अपीयरेंस है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि गाड़ी जो है ना और ग्राउंडेड दिखती है। और ये किट के साथ ही आता है। उसके बाद जो है आप देख सकते हो छोटा सा क्वार्टर ग्लास कवर हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा मसल टाइप है, तो गाड़ी इससे थोड़ी सी और मस्कुलर लगती है। छोटी छोटी चीज़ें ही कार को और मस्कुलर करने में ना हेल्प करती है। उसके बाद आपको मैं पीछे बताता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग ने जो है ना रेयर में बम्पर इंस्टॉल किया है, तो ये भी फाइबर ग्लास का बम्पर है और इसका फिटिंग बहुत सही आया है। बम्पर बिठाना बहुत इजी था और लाइन लेवल भी बहुत सही आया है बम्पर का। अभी आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ, मैं ये चीज़ देख रहे हो ये और ये, तो यहाँ पे जो अपनी बैकलाइट आएगी जो हम लोगों ने ऑर्डर की है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग एग्जॉस्ट लगाने वाले हैं। नाउ वी आर प्लानिंग टू इंस्टॉल वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट, तो उसका भी एक वीडियो लाएंगे हम लोग, जैसे फाइनेंशियल हम लोग का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे सॉल्व होगा बहुत जल्द हम लोग जो है ना वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट लगाएंगे, क्योंकि बाइक मॉडिफिकेशन करना थोड़ा सा ईजी है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता उसमें, बट इसकी एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है। मैंने मार्केट में पता किया वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट की कीमत 20,000 है, बट वो लगाने का एक अलग ही मज़ा है, अपने हाथ में कंट्रोल रहता है। अगर यहाँ पे लोकल में एग्जॉस्ट बोल सकते हैं लाउड करके चला नहीं सकते, बट वेल्वेट्रॉनिक रहेगा तो अपने हाथ में स्विच रहेगा, तो वो एक चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे को सिविक की बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये GT इंस्पायर लाइट्स बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है सिविक की। हम लोगों ने जैसे इसको टिंट कर दिया हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं किया कि ख़राब दिखे, हल्का सा इसको ब्लैक में टिंट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बहुत ह्यूज स्पॉइलर लगाया हम लोग ने, बहुत ज़्यादा बड़ा स्पॉइलर है, और इससे जो है ड्रैग क्रिएट होता है, एवरेज में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, एवरेज कम होता है ये लगाने से। आप अब बोलोगे इतनी सी चीज़ लगाने से कैसे एवरेज कम होता है, इट्स ऑल अबाउट एरोडायनामिक्स, इससे गाड़ी का ड्रैग ज़्यादा होता है, मतलब गाड़ी और ज़्यादा दबती है इससे, उसके वजह से ना एवरेज में फ़र्क आता है। और आप लोग में से अभी बहुत लोग बोलोगे कि
मेरे ख्याल से तो ज़्यादा लोगों का ओपिनियन यही है कि लोगों को स्पॉयलर पसंद नहीं आ रहा है, बट गाइज इन रियल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पूरी कार एकदम बड़ी दिखती है, तो कार के साथ थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट देता है ये चीज़ भी, इसलिए हम लोगों ने इसमें जो है ये वाला जेपी रेसिंग स्पॉयलर हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल किया है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैड इंस्टॉल मैकविल, तो ये 16 इंच के एलॉयज है। अभी बात आती है मैंने इसमें 17 इंच के एलॉयज क्यों नहीं लगाए, 16 इंच के एलॉयज क्यों लगाए, सबसे मेन फैक्टर था प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि 17 इंच के एलॉयज से क्या होगा, सस्पेंशन विल बी स्टिफर, और ऑलरेडी गाड़ी का सस्पेंशन स्टिफ है, इतना स्मूथ साइड पे नहीं है, और 17 इंच लगाने से मैंने सुना है कि बहुत जल्दी सस्पेंशन खराब होता है, कंट्रोल खराब होता है, दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि ज़्यादा नहीं सिर्फ 1 इंच बढ़ाते, और बढ़ाना भी जरूरी था, 15 रखते तो गाड़ी का डाउन ऑलरेडी हो जाती और हर बम्पर पे लड़ती, बट अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली मैं चला सकता हूँ। मेरा मेन रीज़न कार को बनाना था कि मैं डे टू डे इस पर यूज़ कर पाऊँ, ना कि एक शोपीस की तरह रह जाए, खाली घर के बाहर निकले और घर से अंदर आए, बट ऐसा नहीं है, हम लोग इसको डेली यूज़ करते हैं, एक भी बम्पर पे टच नहीं हुई अभी तक, और अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है इसका, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है, और आगे से भी आप लोग एक बार मैं चेकआउट करा दूँगा ग्राउंड क्लियरेंस आगे वीडियो में। और एलॉयज आप देख सकते हो किस तरीके से दिख रहे हैं। अभी एक चीज़ है आप लोग से मैं पूछना चाहूँगा, आप लोग कमेंट करके बताओ क्या मुझे इसको ब्लैकआउट कराना चाहिए कि नहीं, या तो ग्रेफाइट कराना चाहिए कि नहीं, विच कलर विल शूट दिस एलॉय, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये एलॉयज पे कौन से कलर अच्छे लगेंगे, क्या इसको डायमंड कट ही रहने दूँ, इट्स ऑल अप टू यू, जो आप कमेंट करोगे, नेक्स्ट टाइम जब भी पेंट करेक्शन के लिए कार जाएगी तब हम लोग वो चीज़ करा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो डोर हैंडल्स पे, यहाँ पे आप देख सकते हो क्रोम है, बेसिकली मैं क्रोम लवर नहीं हूँ, मुझे ब्लैक चीज़ें ज़्यादा पसंद है, बट ये क्रोम पे कलर नहीं बैठता है, इसके वजह से हम लोगों ने इसको बफ करा दिया, बट अभी ओवरऑल देखेंगे तो बहुत अच्छा दिखता है ये भी। और उसके बाद तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो अपना सेम साइड स्कर्ट्स इधर भी लगे हुए, और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस को कम करने में हेल्प करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को उस तरफ का बताया था। उसके बाद नाउ आई विल शो यू द ग्राउंड क्लियरेंस फ्रॉम द फ्रंट, अभी आप देख सकते हो ग्राउंड क्लियरेंस कितना कम है, यहाँ पे आप देख सकते हो बिनीथ 7 से 8 फिंगर्स का गैप है। अभी आप सोचोगे कैसे ये प्रैक्टिकल है कि 8 फिंगर का गैप, इतना कम ग्राउंड क्लियरेंस, किस तरीके से मतलब ये रोड पे चल पाती होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, बम्पर्स यूजुअली कुछ इस तरीके से होते हैं, जो शॉर्ट बम्पर्स होते हैं उसमें तकलीफ होती है, गाड़ी काटनी पड़ती है, बट जो लॉन्ग बम्पर्स होते हैं उस टायर टच होता है तो अपने आप गाड़ी ऊपर हो जाती है, क्योंकि मेरा यहाँ पे घर पे भी ऊपर चढ़ाने के लिए थोड़ा सा स्लोप पे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा क्रॉस में गाड़ी चढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने एक्सटीरियर में कराई है, और पेंट हो गया, पेंट आप देख सकते हो, पेंट अभी आप लोगों से मतलब कुछ है कौन सा पेंट है ये, तो एक्चुअली मैं लैपिश ब्लू है, एग्जैक्ट टोन मैच नहीं कर पाया है, बट जो भी ये कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, बम्पर का फिर से कलर होगा, और जैसे मैं बता रहा था ना कि और भी बहुत सारे डिफेक्ट्स है पेंट्स में, जैसे आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ फ्लैशलाइट चालू करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे दाने दिखेंगे आपको इधर ये साइड पे, तो ऐसे पूरी गाड़ी में हर जगह पे ऐसे दाने छोटे छोटे, एक्चुअली वो वाटर की वजह से हुआ है या तो मॉइस्चर की वजह से हुआ है मुझे मालूम नहीं, बट वो दाने हर जगह पूरी गाड़ी पे, तो वी हैड डिसाइडेड कि जहाँ जहाँ पे दाने हैं वो सारे पैनल पे फिर से करेक्शन होगा। करेक्शन करने के बाद हम लोग जो है सिरामिक कोटिंग करने वाले, तो सिरामिक कोटिंग के लिए हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन है, मार्केट में बहुत सारे ऐसे वेंडर्स है जो सिरामिक कोटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसके पास से कराना है, बिकॉज वी वॉन्ट कि अपनी कार पर सबसे बेस्ट सिरामिक कोटिंग हो, बिकॉज हम लोग ने इसको बहुत हार्डशिप से बनाया है और वो सारी चीज़ें रिजल्ट दिखनी चाहिए। अभी मैं जैसे आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, दिस इज़ नॉट द सिविक विच एक्चुअली आई वॉन्ट, अभी भी उस तरीके से तैयार नहीं हुई है। अभी मैं आप लोगों को बताऊँ इसमें कौन सी चीज़ हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं, आगे वाले वीडियो में आपको मालूम पड़ जाएगा, एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा इसका, अभी तो कार अपने पास आ चुकी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आईब्रोज लगाने वाले और टायर को जो है बाहर निकालने वाले, वही बहुत जल्द होगा। और दूसरी चीज़ इंटीरियर, तो अभी मैं आप लोग को इंटीरियर चेकआउट करूँ, तो इंटीरियर में ज़्यादा कुछ नहीं किया कार के, सो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीरियर एक सादा सिविक जैसा ही है, बस हम लोग ने यहाँ पे अपना 10 इंच का जो एंड्रॉयड सिस्टम लगाया था वो, और हम लोग का जो है गियर नॉब, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ये वाला गियर नॉब लगाया और दूसरा कुछ किया नहीं, कर्टन से ब्लैक फिल्म इसलिए नहीं किया, लीगल की एक चीज़ है, इसके वजह से हम लोग प्रैक्टिकल, जैसे मैंने वीडियो को बताया हम लोग को जो इसको प्रैक्टिकल रखना है, उसके वजह से हम लोगों ने जो इसको ब्लैक नहीं किया। और अंदर से देख सकते हो कि इस तरीके से सिविक में इधर एक चीज़ अच्छी है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, आपके जो भी आगे
अपना स्क्रीन है उस पर, एंड्रॉइड सिस्टम पूरा यहाँ से कंट्रोल हो। सो गाइस, मैंने आपको पूरी कार का ओवरऑल इंटीरियर और एक्सटीरियर बता दिया, और अभी बात करते हैं एक्सपेंस की, कितना एक्सपेंस हुआ मेरे को इस कार को लेते हुए और बिल्ड करते हुए। तो मैंने कार आप लोग को बताया था वीडियो में कि मैंने इस कार को 1.8 लाख में खरीदा था। कार की कंडीशन बहुत ज़्यादा सही है, थोड़े बहुत काम करने पड़े थे मुझे सस्पेंशन, और थोड़ा बहुत बोल सकते हो कि इसका सर्विस कराना पड़ा था मुझे, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और सारी चीज़ चेंज करनी पड़ी थी। तो टोटल मुझे कार विद सर्विस पकड़ के चलो 210-220 तक पड़ गई थी मुझे पूरी कार। और उसके बाद हम लोगों ने इसमें मॉडिफिकेशन किया, किट हम लोग को पड़ा था 40,000 में, पेंट पड़ा अपने को 32,000 में, और मैकविल्स अपने मैंने आप लोग को बताया बहुत चीप रेंज में मिल गया था हम लोग को, 25,000 हम लोग को जो है मैकविल मिल गया था। इसी के साथ जो है अपना एंड्रॉइड सिस्टम 12,000, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने बहुत सारी किया। तो टोटल ओवरऑल एक्सपेंस मेरे हिसाब से 4.5 से ऊपर चले गया होगा कार को लेके, अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया है वो सारी चीज़ें। और यही था पूरा आज का वीडियो, आप लोग को मैंने पूरा कार का ओवरऑल रिव्यू बता दिया कि मेरे को क्या क्या चीज़ें मैंने लगाई और क्या कितना एक्सपेंस हुआ है। तो मेन मोटिव अपना वीडियो बनाने का यही था, और बहुत सारी चीज़ें जैसे बताया मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम लोग को अभी भी बहुत कुछ इसमें करना है, वाइट टायर्स और ये अपना आईब्रोज, सारी चीज़ें लगने के बाद जो ये किट का मज़ा है ना तब आएगा जब कार और ज़्यादा मोटी दिखेगी, और वो हम लोग बहुत जल्द करने वाले। तो करते इस वीडियो को दिए एंड, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। मेरे को मालूम है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चलो, पीस आउट।